अब देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है x बराबर e प्लस 5t प्लस 5t स्क्वायर, जहां x विस्थापन है, t समय है, t का विमिश्र, पाई का विमिश्र व 5 का विमिश्र ज्ञात करना। अब देखो सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा है भाई अपने पास है समान में समान विमिश्र को ही जोड़ा जा सकता है भाई, समान में समान को ही जोड़ा जा सकता है, तो बताओ x का विमिश्र t के विमिश्र के बराबर होगा और इसका जो विमिश्र है वो 5t के विमिश्र के बराबर होगा और ये हो जाएगा 5t स्क्वायर के विमिश्र के बराबर हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ से अपने पास तीन का जो विमिश्र निकालना चाह रहा हूँ, अब दोनों तीन तो गणितीय मान है, अपने को जो विमिश्र ज्ञात करना है वो समीकरण दे रखा है, समीकरण से ज्ञात करना है, ऐसा नहीं कि तीन और पांच तो विमाइन हो गए गणितीय मान है, हालांकि होते हैं लेकिन इस समीकरण में जो आ रहा है उसको लिखना है, समीकरण के अनुसार जो आंसर आ रहा है वो आंसर लिखना है। बताओ तो तीन का विमिश्र x के विमिश्र के बराबर हो जाएगा, तीन का जो विमिश्र है वो x के विमिश्र के बराबर हो जाएगा और x विस्थापन है, x क्या है बताओ विस्थापन है, m जीरो क्या l की घात एक हो गया t की घात कितना हो गया बताओ जीरो, t की घात जीरो। फिर आगे चलते हैं देखो, अब अपने को पाई का भी निकालना है, x का विमिश्र पाई t के बराबर भी होगा, x का जो विमिश्र है वो पाई गुणा t के विमिश्र के बराबर होगा, तो लिख सकते हैं पाई गुणा t का जो विमिश्र आने वाला है वो x के विमिश्र के बराबर होगा, x के विमिश्र के बराबर होगा। अब देखो पाई का विमिश्र निकालना चाह रहे हैं अपन, यहां से देखो पाई का जो विमिश्र आएगा वो क्या आएगा, टी को भाग में ले जाओ, टी को भाग में ले जाओ, अब देखो टी को भाग में लेंगे तो बताओ ये ऊपर आ गया एक्स का विमिश्र और नीचे आ गया अपने पास टी का विमिश्र, देखो पाई का जो विमिश्र है वो क्या आएगा बताओ, ये तो एक्स का विमिश्र आ गया, x क्या है बताओ विस्थापन है, m की घात 0 l की घात 1 t की घात 1। फिर देखो t समय का जो विमिश्र है, समय का विमिश्र भी दो m 0 l 0 t की घात 1, ये समय का आ गया, हल कर लेते हैं इसको, देखो y का विमिश्र क्या आएगा m 0 l की घात 1 t की घात ऊपर लेके जाओ घात माइनस का, ये पाई का विमिश्र हो गया। फिर देखो किसका निकालना है, देखो पांच का विमिश्र निकालना है, तो पांच टी स्क्वायर, पांच टी स्क्वायर का जो विमिश्र होगा वो एक्स के विमिश्र के बराबर होगा, एक्स के विमिश्र के बराबर होगा, यहाँ से पांच का विमिश्र निकालना है, ये x का विमिश्र आ गया और ये t स्क्वायर का विमिश्र आ गया। अब देखो पांच का विमिश्र निकालना है अपने को, देखो पांच का जो विमिश्र निकालना है वो समझो x क्या है बताओ, x विस्थापन है, विस्थापन का हो गया m 0 l की घात 1 t की घात 1, ये विस्थापन का विमिश्र हो गया, t स्क्वायर समय का स्क्वायर है बताओ m की घात 0 l की घात 0 t की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समय का स्क्वायर है, ऊपर ले जाओ इसको, 5 का जो विमिश्र आएगा वो क्या आएगा, देखो m की घात 0 l की घात 1 t की घात माइनस का, देखो पढ़ने तीन का विमिश्र भी निकाल लिया ये रहा तीन का विमिश्र, पांच का विमिश्र भी निकाल लिया ये रहा,
और पाई का रिमाइंडर भी निकाल लिया, ऐसे अपने को हल कर। क्लियर हो भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 15 में जान लगा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा है p बराबर p नॉट exp, exp और क्वेश्चन लिखा है माइनस का अल्फा और t स्क्वायर लिखा। देखो जब इस प्रारूप में हो बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। ये exp का मतलब है एक्सपोनेंशियल है तरंगाकांति, तरंगाकांति को बोला जाएगा। तो ये आएगा p बराबर p नॉट, इसको लिखने का तरीका है जो भी दे रखा है इस विकास में लिख दो माइनस का अल्फा और एक्स। इस तरह से लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल, इसको लिखने का तरीका ये होगा। अब अपन ने पढ़ा था भाई एक विकास में जो भी आएगा वो बीमा ही होगा, एकीकरण में जो भी आएगा वो क्या होगा बताओ, बी माइनस होगा। अगर इस पूरे की भी अगर अपन बात करेंगे, इस पूरे की बात करेंगे तो ये पूरा भी क्या होगा बताओ, बी माइनस। तो पहले एकीकरण में चलते हैं अपन। एकीकरण में क्या लिखा हुआ है बताओ, अल्फा और टी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये बी माइनस होगा, मतलब इसका विभाजक होगा m0 l0 और t0। यहाँ से अल्फा का विभाजक ज्ञात करना है अपने को, ज्ञात कर सकते हैं। देखो अल्फा का विभाजक क्या आएगा बताओ, बताओ t स्क्वायर को बाद में ले आओ, इसकी जगह मैं एक लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं एक लिख देता हूँ, t स्क्वायर को बाद में ले आए पड़े। तो ये हो गया m0, एक बार में t स्क्वायर लिख देता हूँ बाद में, ये t स्क्वायर बाद में लिख दिया पढ़ने। अब देखो अल्फा बराबर क्या आ गया, ये आ गया एक बटे में आ गया एम जीरो एल जीरो घात दो। इसको जब अंश में लेके जाएंगे तो बताओ क्या आएगा, देखो एम जीरो एल जीरो घात आ गया बताओ माइनस का दो। वैसे भी मैंने तुम्हारे को बता रखा है सीधा भाई एक घात में जो भी होगा वो बीमाहीन होगा। तो देखो ये दोनों मिलके बीमाहीन होंगे, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो बीमा ही होगा। मतलब जो t स्क्वायर का है, t स्क्वायर का t की घात 2 होगा, तो अल्फा को कितना होना पड़ेगा, t की घात माइनस 2 होना पड़ेगा, ताकि अल्फा का तो t की घात माइनस का 2, इसका t की घात प्लस का 2, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बताओ, कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे और बीमा ही ना जाए। ये बात बता रखी है मैंने, इतनी बात क्लियर भाई। अब देखो दो क्वेश्चन मैंने तुम्हारे को दिए हैं, ये तुम्हारे को करने हैं। y बराबर लिखा हुआ है x स्क्वायर cos स्क्वायर 2 पाई बीटा गामा लिखा है, गामा लिखा हुआ है, जैसे संकेत बना हुआ वैसे तुम बना देना। ये अल्फा लिखा हुआ है, x मीटर में है, अल्फा सेकंड इनवर्स है, मतलब 1 बटा सेकंड कह सकते हैं इसको, और बीटा लिखा है मीटर सेकंड इनवर्स, और उसकी जो घात है यहाँ वो भी माइनस एक डिग्री है। अपने को इसमें वाई का और गामा का विभाजक ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में देखो वाई बराबर लिखा हुआ है ए टी की घात के एक्स लिखा हुआ है, वाई मीटर में है, एक्स भी मीटर में है, एक तो के का विभाजक ज्ञात करना है, एक अपने को एक का विभाजक ज्ञात करना है। देखो अगला जो टॉपिक है वो लिखा हुआ है बीवीएस प्रो की जांच करना, बीवीएस प्रो की सतह का जांच करना लिखा हुआ है। अगला जो लिखा हुआ है वो बीवीएस प्रो की सत्यता की जांच करना लिखा हुआ है। देखो बीवीएस प्रो की सत्यता की जांच का मतलब ये होता है कि अपने पास कोई भी सूत्र दे रखा होगा, उसमें एक बायां पक्ष होगा एक दायां पक्ष होगा, दायें पक्ष में एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो अगर बायें पक्ष का बीमेय सूत्र दायें पक्ष के बीमेय सूत्र के बराबर आ जाता है तो दिया गया सूत्र बीमेय दृष्टि से सही है। अगर मान लो बायें पक्ष का बीमेय सूत्र दायें पक्ष के बीमेय सूत्र के बराबर नहीं आता है तो दिया गया सूत्र
ये जान करने का तरीका है इसका। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पर पहला क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है टी बराबर 5 अंडर रूट में लिखा है एल बटा जी, टी आवर्तकाल है, एल लंबाई है, जी ऊर्ध्वीय त्वरण है, बाएं पक्ष का व्युत्पन्न लिखते हैं आवर्तकाल एक चक्र में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, ये समय है तो बताओ टी का व्युत्पन्न आ गया एल जीरो टी का एक आ गया, दो का कोई व्युत्पन्न नहीं होगा, पाई का भी नहीं होगा, अंडर रूट में देखो एल और टी लिखा हुआ है तो एल लंबाई है तो एम जीरो एल की घात एक की घात जीरो, जी गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण हो चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो विमिश्र एक ही होगा, एम जीरो एल की घात एक की घात माइनस का। अब देखो इसको ऐसे कैसे उतार लिया आपने, यह आ गया एम जी का जीरो, बताओ ये एक ऊपर जाएगा तो एक में से एक कटेगा तो एल की घात जीरो हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो टी की घात कितना हो जाएगा बताओ प्लस का दो हो जाएगा। अब देखो अगर मान लो अंडर रूट में ऐसे लिखा हुआ है टी की घात दो लिखा हुआ है, इसको लिख सकता हूँ टी की घात एक गुना टी की घात एक, देखो अगर दो पद अंडर रूट में है तो एक पद को बाहर ले सकते हैं, दो समान पद होते हैं तो वैसे ही बताओ जब अंडर रूट से बाहर आएगा टी की घात एक और टी की घात एक में से टी की घात एक को बाहर ले सकते हैं, अब बताओ ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा, ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा बताओ एम जीरो एल जीरो और बताओ टी की घात एक आ जाएगा। अब देखो जो बाएं पक्ष का विमिश्र आ रहा है वही किसका आ रहा है बताओ दाएं पक्ष का विमिश्र आ रहा है, तो दिया गया जो सूत्र है, दिया गया जो सूत्र है वो विमिश्र दृष्टि से क्या है बताओ सही है। अगर मान लो बाएं पक्ष का विमिश्र दाएं पक्ष के विमिश्र के बराबर नहीं होता है तो ये दिया गया विमिश्र दृष्टि से गलत है, लेकिन अभी ये जो सूत्र है वो विमिश्र दृष्टि से क्या है बताओ सही है, इसके आधार पे काफी सारे क्वेश्चन और करेंगे कल अपन आते ही। आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।